गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग के इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आईएससी 2012 फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहां देखिए, अनीता बीना चित्रा पार्टनर है, जिनका रेशियो इक्वली है, वो लोग फर्म को डिसॉल्व कर देगा। 31 दिसंबर 11 का बैलेंस शीट, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। अनीता का करंट इधर है, दो आदमी का करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर, एसेट्स में है मशीन डेटर स्टॉक और कैश। डिसाइड किया गया फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। प्लांट मशीन डेटर स्टॉक सब मिला के बेचा गया 70,000 में और क्रेडिटर को पेड ऑफ बोल दिया। एसेट्स बेच दिए और लायबिलिटी का पेमेंट दे दिए। ये जो लाइन लिखा हुआ है न्यू सिलेबस के हिसाब से, ये लाइन अब कैंसिल हो जाएगा। चित्रा वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नया सिलेबस में अपना इंसॉल्वेंसी वाला बात नहीं है, तो हम इस लाइन को ही कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब नॉर्मल सवाल हो गया, सॉल्वेंट वाला सम हो गया। एसेट्स बेच दिए, लायबिलिटी पेमेंट कर दिए, बस बनाना है रियलाइजेशन कैपिटल और कैश अकाउंट। तो जब इंसॉल्वेंसी का बात हट गया तो ये गार्नर मोर्रे केस भी हट जाएगा। तो काफी छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एज पर न्यू रेगुलेशन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन का टू में एसेट्स लाते हैं, टू प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी था 26,000 का। डेटर, इस बार डेटर के साथ कोई प्रोविजन नहीं है, 53,000। स्टॉक 22,200। लायबिलिटी में ले आते हैं बाई क्रेडिटर, लायबिलिटी चला आया बाई में 64,000। एसेट्स टू में लायबिलिटी बाई में, ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में बैलेंस 24,800। बाई बैलेंस बीडी 24,000, 8,000, 4,000। बाई करेंट अकाउंट, लायबिलिटी साइड में अनीता का करेंट अकाउंट है 10,800। इन लोगों का टू में आ जाएगा, रिवर्स साइड है, टू करेंट अकाउंट, इसका 2,000, 6,000। बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, एसेट्स लायबिलिटी चला गया रियलाइजेशन में, कैपिटल करेंट कैपिटल में आ गया, बच गया कैश, बच गया कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस है 1,600, टू बैलेंस बीडी 1,600। ऐसे करके सारा आइटम का प्लेसमेंट हो गया, बस छोटा सा वर्क है, नीचे एक एडजस्टमेंट है। सारा एसेट 70,000 में बेचा गया, बाई बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज लिख देते, सभी एसेट्स का नाम दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड मनी है 70,000। अब बोला है क्रेडिटर को पे कर दिए, कितना पे किए ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो जो क्रेडिटर था उसको पे कर दिए, दैट इज 64,000। अब ये कैश या बैंक में टू रियलाइजेशन में 70,000, अब बाई रियलाइजेशन में 64। अब हमको क्लोज कर देना है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रियलाइजेशन में उम्मीद करते हैं लॉस आएगा 26,53, 22,200, 64,000। डेबिट का 165,200। ठीक है, इधर से माइनस 70,000 और माइनस 64,000,
लॉस आया 31,200। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट नाम है अनीता बीना चित्रा, नरेशन है लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये इक्वल पार्टनर था, डिवाइडेड बाय 3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,400 10,400 10,400। ये लॉस कैपिटल का 2 में आ जाएगा, कैपिटल में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 10,400 10,400 10,400। अब कैपिटल को बंद करना है, 2 में आया 2 कैश, बाई में आया बाई कैश, यहां हो गया 34,800 34,800, इसके लिए 2 कैश आया, इसके लिए 2 कैश फाइनल सेटलमेंट, ये 34 में से गया 24,400 और इसका इधर टोटल आएगा 12,400 16,400 12,400 16,400। इसका आंसर आएगा बाई कैश, वही नरेशन होगा फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो ये आएगा 4,400 और ये आएगा 12,400। ये दोनों कैश का 2 में आ जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम है बीना अचित्रा, अमाउंट है 4,400 12,400 दैट इज 16,800। अब बाई अनीता कैपिटल अकाउंट उसका पेमेंट है 24,400। अगर हम लोग का कैश मिलता है तो हम लोग ठीक बनाए हैं, ये 88,400 हो रहा है, आ इसको ऐड कीजिए 408, यस ये भी 88,400 हो गया। इसका मतलब हम लोग सही सही बनाए हैं, जैसे डिजोल्यूशन बनाते हैं वैसे ही बना है। सवाल थोड़ा आसान था, नॉर्मल क्वेश्चन था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज था इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज किए थे, वो इंसॉल्वेंसी और गार्नर मोरे लिखा था जो आईएससी करेंट सिलेबस में नहीं है, इंसॉल्वेंसी वर्ड काट दिए, इसका मतलब सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट है तो कैपिटल में, अगर बाई में आंसर आता है तो बाई कैश देगा, वो कैश का 2 में आएगा और 2 कैश फाइनल पेमेंट कर देंगे, बाई में जाएगा। और कैश अकाउंट अगर मिल जाता है तो हम लोग क्वेश्चन को सही सॉल्व किए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, साथ साथ बनाइए, छोटा सा सवाल है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।